नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक द्वारा शुरू की गई महिलाओं में साक्षात्कार के अंतर्गत जिन्हें हमने नाम दिया है आपकी मेरी बात, आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ आपसे मुखातिब होंगे आदरणीय भाई दीपक संगत जी। दीपक संगत जी, ये कोई बड़ी विशेषता की विशेषण नहीं है इनके साथ कि ये वाल्मीकि समाज से है। विशेषण इस बात का है कि ये कहाँ से इन्होंने अपने बचपन से यात्रा शुरू करी और आज ये किस मुकाम पर हैं। आप राजस्थान में प्रदेश महासचिव हैं राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के, और उसके पैरेलल बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते आ रहे हैं जहां सब इन्होंने अपने समाज को ही नहीं और दूसरे समाज को भी बहुत कुछ दिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो जनहित का आदमी हो, जन जन का आदमी बन जाए, उसको आप सबके सामने आपसे मुखातिब कराना हमारा भी एक नैतिक दायित्व बनता है। तो मैं भाई दीपक संगत जी से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहां आए और आज हमारे साथ हैं। तो भाई दीपक जी, बात शुरू करें तो सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आप किस परिवेश में बचपन गुजरा और किस तरह आप जो आपने जीवन की दिशा पकड़ी है उसमें कौन कौन से ऐसे पड़ाव आए जो आपको निरंतर प्रेरित करते रहे और आप आगे बढ़ते रहे, थोड़ा सा बताएं। एक तो सबसे पहले मैं माननीय अशोक जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने विद्वान व्यक्ति ने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपनी समाज और अपने बारे में बताने का अवसर दिया इनको जी। मैं इनसे बहुत मुतासिर हूँ कि ये अशोक जी सक्सेना बहुत काबिल व्यक्ति हैं। पढ़ने लिखने का इनका शौक है, छोटा मोटा शौक मैं भी रखता हूँ पढ़ने लिखने का। जहाँ तक जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ, चूँकि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ जो सदियों से शोषण का शिकार रहा है, ठीक, अस्पृश्यता का दंश कदम कदम पर जिसने झेला है, अपमान का हलाहल जिसने पिया, हर रोज पिया है, सही कह, अभाव क्या होता है इसको हमने निरंतर भोगा है, ठीक है, तिरस्कार क्या होता है इसको हमने जिया है। माननीय अशोक जी, मैं जहाँ पर हम बैठे हैं आज, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जी जो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके पीछे एक बस्ती है मेरी वाल्मीकि समाज की, जहाँ पर मेरा बचपन बीता है। ठीक। बचपन में हम सब लोग वही गंदी गलियां, वही किलोले करते सुअर और वही मच्छर भिनभिनाते हुए हमारे पीले और पीले बीमार से बल्ब में हम पले बड़े लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और रुग्णता का अभाव, बीमारी का अभाव, वो बीमारी लगातार हमारे साथ, शराब का चलन, जुआ का चलन, सही कह रहे हैं, ब्याज खोरी सूद खोरी का एक बहुत बड़ा जोरदार वहां पर प्रचलन, इन सब बीच में हम पल बढ़ के यहाँ तक आए हैं। चूंकि मेरे पिताजी को शुरू से ही शिक्षा का प्रति बहुत शौक था, क्योंकि वह भी उन्होंने अनपढ़ रहते हुए भी हमें पढ़ाया चारों भाइयों को, क्या बात, जिसमें मेरे दो भाई बहुत प्रसिद्ध वकील हैं, एक भाई अध्यापक है, और मेरे भतीजे भतीजे भतीजियां सब ये डॉक्टर वगैरह सब कुछ जी, हैं जी। तो चूंकि मेरे पिताजी अनपढ़ होते हुए भी नगर परिषद में सफाई कर्मचारी होते हुए भी मेरी माँ भी सफाई कर्मचारी का काम करती थी जी। 45 डिग्री सेल्सियस की तपती दोपहरी में जब दुनिया की माएं एयर कंडीशन में कूलर में सोया करती थी, तो मेरी माँ सड़क पर सफाई करती थी, और हमें पढ़ाया लिखाया हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया, और उसके साथ साथ उनमें सामाजिक जागृति भी थी। सामाजिक जागृति होने के वजह से वह खादी आंदोलन से भी जुड़े, जवाहरलाल जी जैन, कोकुल भाई भट्ट, बाबा आमटे,
भंवर जी विद्यार्थी, महेंद्र जी जैन, कैलाश चंद जी, इन सब लोगों के साथ मिलके वो संचालक मंडल में भी रहे हैं। बहुत अच्छे। उस नाते जब हमारी बस्ती में उन्होंने देखा, जब टोंक में गोकुल भाई भट्ट का आगमन हुआ जी, तो हम सब ने, हमारे पिताजी ने सोचा, चूंकि मैं तो बहुत छोटा था उन दिनों, मैं 6th या 7th में पढ़ता था, तो गोकुल भाई भट्ट हमारी बस्ती में पधारे, शराबबंदी के लिए उन्होंने हमारी बस्ती में सभा की और हमारे सब लोगों को समझाया भाई कि आपको शराब आपके जीवन को पतन की ओर ले जा रही है। ठीक है। तो मेरे में भी संस्कार शुरू से ही मेरे पिताजी को देखने के बाद उन जैसे आए। ठीक है। और सौभाग्य से थोड़े दिन बाद जो अखिल भारतीय स्तर पर जिन्होंने कुष्ठ रोग में काम किया, बाबा साहब आमटे, क्या बात, खादी भंडार मोतीबाग में वो आए, तो मेरे पिताजी वहां पर भी मुझे लेकर गए थे, तो मैं बाबा आमटे के भी संपर्क में आया और धीरे धीरे मेरे मन में भी वह भाव प्रस्फुटित होने लगे कि यार मुझे, मेरा भी जो जीवन है वो भी समाज के लिए काम आना चाहिए। इन सब बातों का बीजारोपण मेरे बचपन से भी हो गया था। और 6th क्लास में ही मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताता हूँ, आजकल जिस प्रकार का छपास का रोग लोगों में लगा है, बिल्कुल सही अशोक जी, तो महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को जयंती थी। ठीक है। तो खाद्य भंडार के यहाँ कार्यक्रम होते थे, तो मैं भी उसमें 6th क्लास में पढ़ता था, नेकर में ही था, तो मेरे को भी इच्छा हुई कि भाई मैं भी गांधी जी पर बोलूंगा। क्या बात। तो 2 अक्टूबर वो सन 74-75 की बात है। ठीक है। मेरे राष्ट्रीय वो जो संपादक है पहले वो रहे हैं वहां, जहाँ संवाददाता आदरणीय रामपाल जी राकेट, आजकल तो वो सेवानिवृत्त हो गए पत्रिका से, लेकिन उन्होंने मेरी बात से प्रभावित होकर मेरे हौसले को देख के उस 74-75 में मुझे छापा। क्या बात। तो ये सब चीजें मेरे बीजारोपण हुई अशोक जी। जी जी जी। तो लगातार निरंतर फिर आप जैसों के संपर्क में रहा। नहीं, ये तो आपने बहुत, जिसे कहना चाहिए, बहुत व्यवहारिक पक्ष तो है ही जीवन का। जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिता ने अपना जो दायित्व निभाया, आपको अच्छे संस्कार दिए और आपने जीवन की एक दिशा पकड़ी, इसके लिए तो हम पिता के ऋणी रहेंगे। जी जी जी। लेकिन रास्ता मिल जाना एक अलग बात है, लेकिन उस रास्ते को उपयोगी बनाना जी ये अलग बात है। आपने उस रास्ते को उपयोगी बनाया। जी। तो जैसा अभी जिक्र किया, आप गोकुल भाई भट्ट के संपर्क में आए, और जहाँ तक मुझे याद है कि कपूरचंद कुलिस के साथ भी आप। जी, वो भी मेरे जीवन में 2-3 संस्मरण उनके भी हैं। हाँ, आप तो कपूरचंद कुलिस हैं और आपके साथ गोविंदाचार्य भी हैं। जी। जो बड़े भाजपा के काबिल नेता रहे और काबिलियत में कोई कमी नहीं। जी। उनके कुछ संस्मरण आप बताएं। यह लगभग सन 1992 की बात है। अच्छा। एक सामाजिक समरसता विषय पर गीता भवन जयपुर में एक ठीक है सेमिनार थी। ठीक है। वहां पर मुख्य वक्ता के रूप में एक सत्र का गोविंदाचार्य को लेना था। गोविंदाचार्य जो बहुत प्रकांड विद्वान माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के रूप में। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के उत्थान में उनका महती योगदान माना जाता है। ठीक है। और कर्पूरचंद जी कुलिस को दूसरा सत्र लेना था। वो अपने आप में महामनीषी रहे हैं। हाँ। वेदों के ज्ञाता रहे हैं। ठीक है। और सौभाग्य हमारा ये है कि राजस्थान पत्रिका टोंक से ही है। हाँ। सोडा गांव से। हाँ हाँ। और मेरा भी लिखने पढ़ने का शौक रहा, तो मैं भी उस सेमिनार में वहां था। ठीक है। सामाजिक समरसता विषय था। फिर जब उनके सत्र पूरे हुए, अपनी भी बात कहने के बाद, फिर मैं भी अपनी बात कहने को खड़ा हुआ। ठीक है। जो उनकी बात और मेरी बात थी उसमें थोड़ा सा अंतर था। ठीक है। फिर मुझे उन्होंने कहा कि भाई ये बात आप अंदर कक्ष में आइए और अंदर कक्ष में बैठकर बात कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि जो सामाजिक समरसता के उपाय उन्होंने बताए थे उससे तो एक लंबा समय लगने वाला है। ठीक है। हमने ये कहा कि सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए हमें केवल दलित समाज को ही ठीक होना है, ऐसा नहीं, हमें दूसरे बंधुओं को भी ठीक होना पड़ेगा, उनको गले लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। समता युक्त और ममतामयी समाज की स्थापना तभी हो पाएगी जब हमारे मन में उनके प्रति स्नेह होगा, ममता होगी। बहुत अच्छी बात।
आप कहोगे साहब आप नहाते धोते नहीं हो, आप अपना खान पान ठीक करें, आप अपनी शिक्षा दीक्षा को ठीक करें, ये तो होगा एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि हमें दूसरों को भी उनको गले लगाना पड़ेगा, उनके बस्तियों में जाना पड़ेगा, उनका खान पान करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो ये सारी बातों को लेकर मेरा उनसे कभी बहुत लंबा संपर्क रहा। फिर एक बार वो टोंक भी पता रहे, टोंक जहाँ जिला कलेक्ट्रेट में बैठक ली उन्होंने, तो वहाँ पर भी एक कोई विकास की बात कर रहे थे लोग। तो फिर मैंने भी अपनी बात, जब समय आया तो मैंने भी अपनी बात रखी। मैंने कहा भाई विकास किस बात का, आप रॉकेट उकड़ा रहे हो, अंतरिक्ष में भेज रहे हो, सही रॉकेट भेज रहे हो और भेज रहे हो, लेकिन आज भी देश का दुर्भाग्य यह है और मानव का दुर्भाग्य यह है कि मानव मानव का मल ढो रहा है सिर पे रखकर। सही बात। तो विकास की बात बेमानी हो जाती है। जब तक हम इस यंत्रणापूर्ण जीवन से इनको निजात नहीं दिला सकते, मैं नहीं समझता कि विकास कोई मायने रखता है। बिल्कुल सही। सौभाग्य से मेरी बात को उन्होंने गंभीरता से लिया और उन्होंने उस बात को लेकर एक संपादकीय भी लिखा। क्या बात। मुझे, मैं इस बात को मत पुलिस जी ने लिखा। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात को, और वो संवेदनशील व्यक्ति थे, नहीं नहीं मानव मन को समझते थे, तो उन्होंने उस बात को गंभीरता से लिया और संपादकीय लिखा, तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। उन्होंने, वो फिर सरकारों ने भी उसको गंभीरता से लिया। हाँ। और कई अनेक कार्यक्रम भी चलाए, मानो ये स्वच्छकार मुक्ति जो कार्यक्रम चलाया, मुझे उसमें भी बहुत 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 बड़ा हाथ, कर्पूरचंद जी पुलिस और राजस्थान पत्रिका भी का भी मानता हूँ मैं। सही है, सही। तो देखिए, ये तो एक ऐसा सेक्टर है जो अभी आपने बताया, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। जी जी, वो आपने दी, बड़ी कीमती जानकारियाँ। लेकिन प्रश्न ये है कि आप तो राजस्थान तक सीमित नहीं रहे। जी, जैसा कि मुझे कुछ अंदाजा है, जी आप बॉम्बे तक गए हैं। जी, तो उसका कुछ जिक्र करिए। क्योंकि जहाँ भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है या ह्यूमन राइट्स का वॉयलेंस होता है, वहाँ मेरी भी आत्मा थोड़ी सी कचोटती है। सही। और सभी मनुष्यों को कचोटना चाहिए। हाँ। यदि मानव का अधिकारों का हनन होता है कहीं, तो निश्चित रूप से हम मानव हैं। संवेदनशीलता आवश्यक है, रिएक्ट करना चाहिए, प्रतिक्रिया करना चाहिए। क्योंकि मेरा इस क्षेत्र में भी रुचि थी, तो एक ह्यूमन राइट्स सेमिनार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी, अच्छा, मुंबई में ऑर्गेनाइज की, इंटरनेशनल सेमिनार थी वो। ठीक है, ठीक। तो वहाँ पर मैं भी गया था, चूँकि उस समय मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य था। ठीक। तो उस नाते मुझे भी आमंत्रित किया गया था। वहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और मुंबई और गोवा, चार स्टेट के लोग तो थे ही सही, बाकी साउथ के अनेक लोग थे और इंटरनेशनल, दिल्ली से अलका लांबाजी, ये अच्छा, सारे स्टेट मिनिस्टर वगैरह वो थे। तो वहाँ भी मैंने अपनी बात रखी थी। तो इस प्रकार से मानव अधिकार के लिए भी मैंने काम किया। वहाँ पर काफी राजस्थानी लोगों से मिलना जुलना रहा, विचारों का आदान विचार विनिमय हुआ, विमर्श हुआ कि हम मानव अधिकार के मामले में क्या कर सकते हैं, समाज को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। ठीक है। सकारात्मक ढंग से। सही है। ऐसा नहीं कोई हम बहुत ज्यादा गोली हाथ में उठा लेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं, नहीं। कहीं अपनी बात रख सकते हैं लोकतांत्रिक ढंग से, बात व्यवहारिक स्तर पर। तो मैं मुंबई वगैरह सेमिनारों पर अनेक जगह गया हूँ। नहीं, ये सब अभी तक वो पक्ष सामने आया है कि आपने अपनी बात कही जी, और उसको दूसरे विद्वान जनों ने जी उसको गंभीरता से लिया, उसको स्वीकारा जी। जैसे कपूरचंद पुलिस साहब ने आपको प्रकाशित भी किया, आपकी विचारधारा को लेकर कॉलम भी लिखे, संपादित किए, आगे भी सब दिया। लेकिन एक पक्ष सामने ऐसा लगता है मुझे कि वो काफ़ी छूट रहा है हमारी गुफ्तगू के दौरान। समाज को आपने क्या किया, समाज के लिए पद तो आपने ले लिए जी, लेकिन समाज के लिए व्यवहारिक रूप से जी, आपके तो वसुंधरा जी से भी संबंध अच्छे रहे हैं और अरुण चतुर्वेदी जी भी अच्छे रहे हैं। तो समाज के लिए अपन ने, अगर हम पिछले 10 साल की बात भी करें जी, तो क्या कोई उपलब्धियां सामने आ रही हैं समाज की? जहां तक बात है, क्योंकि मेरे मन में मैंने प्रत्यक्षता अनुभव किया कि मेरा समाज किन परिस्थितियों में जी रहा है। ठीक। और मेरे मन में शुरू से ये भाव रहा है अशोक जी कि जब भी मुझे कोई अवसर मिले तो मैं इनके लिए कुछ कर लूँ, कर सकूँ, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुझे सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य बनाया गया। ठीक है। तो मैं लगातार इस
प्रयास में रहा, हर बैठक में चाहे वो कृपलानी जी आते रहे हो चाहे वसुंधरा जी के संपर्क में रहा हूँ मैं, लगातार ये रहा कि भाई इस वर्ग के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मुझे आज बताते हुए अशोक जी बहुत प्रसन्नता है कि आज तक जो काम इन 70 वर्षों में नहीं हुए समाज के लिए, ठीक है, वो हमारे 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने किए। समाज की सबसे बड़ी समस्या थी रोजगार की, ठीक है, और रोजगार भी पहले कभी मिलता रहा होगा तो गरीब लोगों से पैसे के माध्यम से लोग 2 लाख रुपए ले लिए, किसी से 1 लाख रुपए ले लिया, किसी से 50,000 रुपए ले लिया ऊंची ब्याज दर पर, ठीक है। हाँ, तो हमने सोचा कि भाई इनके रोजगार भी मिल जाए इनको और इनका शोषण भी नहीं हो, कोई पैसा का लेन देन नहीं हो। सही। हमने माननीय वसुंधरा जी से बात करके 21,000 लोगों की सफाई कर्मचारियों की भर्ती संपूर्ण राजस्थान में करने की कोशिश की। अशोक जी आपके आशीर्वाद से कमाल हो गया। और बहुत अच्छी बात ये रही, हमने सारे तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भाई इसमें कोई दूसरे लोग जो नकारात्मक लोग हैं, कोई इस पर कोर्ट स्टे लिया है, कुछ और लिया है, उसका ध्यान रखते हुए हमने, और बहुत खुशी की बात है कि हमने सारी सतर्कता रखी, इसलिए हमने निर्विघ्न रूप से 21,000 लोगों की पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हमने की, ठीक है। और सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य सफल रहा अशोक जी, वो ये रहा कि कहीं से कोई समाचार 1 रुपए के लेन देन का भी नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि हमने आवेदन ही ऑनलाइन करवाए, ठीक है, हमने सारी चीजें कंप्यूटराइज की, लॉटरी कंप्यूटराइज की, इसलिए को लेन देन की और पूरी ट्रांसपेरेंसी पूरी पारदर्शिता रखी। उसके बाद में जब 21,000 लोग हो गए तो सब लोगों का, समाज के लोगों का ये दबाव रहा कि भाई जिन लोगों ने हमें रोजगार दिया, आजीविका दी इतने लंबे समय के बाद में, तो हमें उस महिला का, मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, ठीक है। संपूर्ण राजस्थान से वाल्मीकि समाज के लोग और अन्य सब बंधु, सफाई कर्मचारी बंधु जयपुर पधारे बड़ी संख्या, विशाल संख्या में, ठीक है, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया और बड़े हंसते खुशते जाए गए वो गाते बजाते। और दुर्भाग्य की बात ये मैं कहूँगा अशोक जी, कहना पड़ रहा है, जिन लोगों को हमने 21,000 लोगों को भर्ती की, मैं चूंकि जहाँ राजनीति की बात नहीं करना चाहता, नहीं नहीं, लेकिन राजनीतिक बात से जुड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज से जुड़ा मुद्दा है, ठीक है। दो वर्ष परीक्षा काल समाप्त होने के पश्चात भी आज भी सफाई कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जा रहा, नियमितीकरण नहीं किया जा रहा, कई जगह उनका फिक्सेशन नहीं हो रहा, कई जगह उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, उनका बहुत शोषण हो रहा है, मन बड़ा कई बार द्रवित हो जाता है कि जिस पौधे को हमने लगाया और ये भर्ती नहीं कर सकते तो कम से कम इनको समय पे, उनको तो समय पे वेतन तो दे ही सकते हैं, नियमित तो करना ही चाहिए ना, इतना गरीब पिछड़ा समाज। अच्छा, ये जो 21,000 आपने संख्या दी है, इसमें क्या सिर्फ वाल्मीकि समाज को ही भर्ती किया? नहीं, हम अन्य समाज, इसमें सभी समाजों का संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार 16% आरक्षण यदि जनजाति का रहा है, विधवा कोटा रहा है, इसमें सभी लोग स्वतंत्र थे अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब उनकी क्या स्थिति है, क्या अन्य जाति वर्ग इसमें सक्रिय है या गलियां? क्योंकि मैं संपूर्ण राजस्थान में जाता हूँ जी, अभी भी मैं आपसे बात हो रही थी तो मैं कल चूरू झुंझुनू पिलानी प्रवास पर था, ठीक है, वहाँ भी अनेक लोगों से मिलना रहा कि साहब जो गैर वाल्मीकि हैं, हाँ, गैर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति मूल पद पे काम नहीं कर रहा और केवल वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों से ही सफाई का काम करवाया जा रहा है, ये बहुत दुखदायी बात है। जब व्यक्तियों ने स्वेच्छा से फॉर्म भरा, स्वेच्छा से उन्होंने नौकरी का आवेदन किया और वो नौकरी लग गए, तो अब उनको मूल पद पे भी काम करना चाहिए, करना चाहिए। हमारे समय में और अभी भी निदेशालय द्वारा, निदेशक के द्वारा ये परिपत्र जारी हुआ है। अच्छा। कि भाई सफाई कर्मचारी जो मूल पद पे, उनको मूल पद पे ही काम करना चाहिए, लेकिन इसकी अवहेलना की जा रही है, उनको अभी वो ज़्यादातर जगह इस प्रकार की शिकायतें हैं कि वो अन्य समाज के व्यक्ति काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे पद तो ले लिया, लाभ तो ले लिया, लेकिन वो दूसरों को पेट पे लात मारी उन्होंने। बिल्कुल सही है, यदि हाँ वो नहीं आते तो कोई, यदि सफाई कर्मचारी बने थे तो काम भी करना चाहिए, अन्यथा बेचारा दूसरा व्यक्ति रोजगार पाता जो काम करता, न्यायपूर्ण बात। हाँ, उसका भी पेट पे लात मारी आपने और आप भी काम नहीं कर रहे, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या, मानसिकता की गड़बड़ है, प्रशासन के लोग भी बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत में।
मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पर प्रशासनिक रूप से भी कार्रवाइयाँ हों तो शायद कुछ परिणाम ठीक आ सकते हैं। भाई लगातार निदेशालय में हमने कहा है, थोड़ा सख्ती से पालन, उन्होंने सख्त लेटर भी लिखे हैं और कमिश्नर वगैरह आयुक्त वगैरह नीचे कहते भी हैं, लेकिन जो निचले स्तर का कर्मचारी वो होता है कर्मी, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर और ज़्यादा सख्ती की आवश्यकता है या और ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। चूँकि अभी यदि उनका कार्यकाल संतोषजनक नहीं है तो निश्चित रूप से उनको कहना चाहिए भाई आपका कार्यकाल संतोषजनक नहीं है। अब इतना सारा एक काम ऐसा करते हुए जहाँ तक कि अभी तक अपनी वार्ता के दौरान एक शब्द भी ऐसा नहीं आया जिसमें कहीं किसी पार्टी विशेष को लेकर या राजनीतिक हलके को लेकर कोई संदर्भ आया हो जी, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी है जी, पहले जनता पार्टी थी, तो आप कब से इस विचारधारा से जुड़े? भाई सबसे बड़ी मैं पहले विद्यार्थी काल से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है, ठीक है, उसमें काम करते करते मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ राजनीति क्षेत्र में सन 19 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उसके अंदर आ गया, ठीक है, और वहाँ पर अनेक पदों में मैंने अनुजाति मोर्चा का जिला महामंत्री और माधव प्रसाद जी जैन सचिव साहब के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला और ऐसे बहुत लोगों के साथ बड़े बड़े लोगों के साथ गोकुल भाई भट्ट इसे ये जैसे कुशाभाऊ ठाकरे सुंदर सिंह जी भंडारी माननीय भैरव सिंह जी शेखावत इन सब लोगों के साथ मुझे काम करने का और बातें करने का मौका मिला। आप लोग आश्चर्य होगा एक बार मैं बम्बई अधिवेशन में गया था तो माधव प्रसाद जी जैन और मैं और माननीय गुलाब जी कटारिया हम तीनों साथ थे, ठीक है, तो मैं कुछ लिख रहा था उस समय डंकल और गेट प्रस्ताव का बड़ा जोर था सही, और गेट और डंकल प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी नीतिगत रूप से सिद्धांत था उसके उसमें थी विरोध में सही, तो मैंने भी अपना वो भेजा था, ठीक है, लिख कर तो भाई मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ खुला अधिवेशन था तो 10 से 12 लाख लोगों की भीड़ थी, क्या बात, फिर मेरा वो वहाँ पहुँचा तो माननीय भैरव सिंह जी मंच पर थे तो माननीय भैरव सिंह जी ने पूछा भाई ये आपने बनाया, मैंने तो महावीर प्रसाद जी जैन ने कहा कि मेरे सामने इसने लगातार पूरी रात बैठ के इसने ये विचार इसने लिखे हैं, तो मुझे बोलने का अवसर तो नहीं मिला चूँकि बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम था लेकिन वो उसको शामिल किया गया उसमें अच्छा मेरे विचारों को राजनीतिक प्रस्ताव में, तो ऐसे अनेक अवसर आए मेरे जीवन में। खाटू श्याम जी शिविर में मैं गूगल ये जैसे कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैंने 2 दिवसीय प्रवास शिविर था तो मैं लगातार उनसे विचार विमर्श रहा चिंतन शिविर में रहा तो मेरे साथ बहुत बड़े बड़े लोगों को मुझे मार्गदर्शन मिला है और मैं जीवन धीरे धीरे उस दिशा में ढल गया। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है उस आदमी से किया जाना चाहिए जो इतना सोचता है जी, टोंक आपके लिए नया नहीं है जी, आप टोंक में रचे बसे पार्टियां तो ठीक है टोंक में है क्या राजस्थान में 5 साल कांग्रेस है 5 साल बीजेपी जी, एक अलग मुद्दा है जी, हम राजनीतिक पार्टियों के उस पर कोई बात नहीं करें जी, तो उनका चरित्र लगभग एक सा होता है जी, लेकिन टोंक को लेकर टोंक के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं? चूंकि मैं चूंकि राजनीति क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं तो वो एक अलग पक्ष है, तो सीधा सीधा मैं तो होती है ना कि ऐसा हो भाई वो बाध्यता अलग बात है, टोंक के उसको शामिल मत कीजिए, टोंक के रहने वाले हैं तो अब किस तरह का दिल में दर्द तो रहता ही है, नहीं किस तरह का एक प्रारूप सोचते हैं कि यार अपना टोंक ऐसा तो कम से कम शुरुआत हो जाए ऐसा तो हो जाए, तो वो राजनीतिक हलके की बात अलग है भाई, मैं उसमें नहीं जोड़ना चाहता आपको, वो एक बाध्यता होती है कार्यकर्ता की, लेकिन एक टोंक का आदमी होके टोंक के लिए सबके मन में ही दर्द तो रहता ही है अपनी मातृभूमि के लिए जन्मभूमि जहाँ के लिए सब माँ का विकास होना चाहिए, माँ भी क्या सोचते हैं माँ भी चमचमाती सड़कें हों आलिशान अस्पताल हों
वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, रोजगार अच्छा हो, और इस सब बातों को लेकर यहाँ का व्यक्ति चिंतित तो ही सही, क्योंकि दुर्भाग्य से यहाँ पर काफी लंबे से ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व रहा जिन्होंने टोंक की चिंता ज्यादा की नहीं की, ठीक है, ज्यादा चिंता नहीं की, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग बाहर से आकर प्रतिनिधि बनते रहे। सही। तो मन में दर्द जितना यहाँ का रहने वाले का हो सकता है, मैं समझता हूँ कि शायद अब जब से 2-3 बार से बीजेपी के लोग आने लगे हैं, निश्चित रूप से आपको भी दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर टोंक में विकास हुआ है, और यहाँ के चेयरमैन और पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद, ये सब लोग सामूहिक प्रयासों से उन्होंने प्रयास तो किया कि टोंक का थोड़ा सा नक्शा बदले। देखिए, आप मेरी बात को अन्यथा कतई नहीं है। जी, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन जी, उन्होंने जो कुछ भी किया जी, वो एट ए साइड फर्स्ट से प्रथम दृष्टा है जो दिखता है शहर में जी, वो अच्छा लगता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सभापति ने अच्छा काम किया है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रत्येक सभापति ने अच्छा काम किया है। प्रत्येक पहले, अच्छा काम। पहले गणेश माहौर जी भी आए, निश्चित उल्लेखनीय रहा कार्य, उन्होंने भी काफी भर्तियां भी करी और काफी कुछ किया, अच्छी बात है जी। लेकिन इसके अलावा 14 वाला साल, 2014 वाला जी, जो पीरियड था सांसद का जी, तो सारा पूरा समय इस बात में ही निकल गया कि दो खेमों में बटे हुए लोग हैं। एक तरफ, मैं आपके विचार नहीं पूछूंगा, अपनी बात कह रहा हूँ, दो खेमों में बटे हुए हैं। यहाँ तक था कि अखबारों में लोग समाचार कम पढ़ते थे, फोटो देखते थे कि किसके संग कौन बैठा है, तो उससे मुझे लगता है कि विकास की गति को नुकसान पहुंचा। चलो, किस्मत से हमारे सांसद महोदय वापस जीत के आए, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा कि ये इस कार्यकाल में कुछ ऐसा होता नजर आ रहा हो। मतलब जो एक्टिवनेस उनकी पहले थी कि वो अगर सड़क निर्माण कार्य भी हो रहा है तो वो एट द स्पॉट पहुंच गए, उन्होंने गिट्टी और कोल तार और जो भी है उसको परीक्षण किया और कोशिशें करें कि ये काम रुके और सही तरह से गुणवत्ता से हो। तो उनकी जो लगन थी जिससे आम आदमी जुड़ाव महसूस कर रहा था कि ये हमारे जिले के लिए ये आदमी ईमानदारी से खड़ा है, तो वो जो फीलिंग थी, मुझे लगता है वो फीलिंग में बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है आप 2 साल हो जाएंगे, मुझे तो लगता नहीं कोई अशोक जी ऐसा तो नहीं है कि उनके कोई, आप बताइए, व्यवहार में और आचरण में, नहीं मैं व्यवहार आचरण उनके व्यक्तिगतता की बात नहीं कर रहा, मैं तो काम की बात, काम कार्यशैली मंत्र आया हो। हाँ। ऐसा नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि इस क्षेत्र में प्रवास करने वाले सांसद हैं वो ठीक है, तो वो हमारे हैं। नहीं, वो सही है, ठीक है। हाँ। इसके बाद में निरंतर रूप से इस कोरोना के महामारी में भी उन्होंने जिस प्रकार की जनसेवा यहाँ के गरीब जनता के लिए की है, चाहे भोजन के लिए फूड पैकेट्स बांटकर और निरंतर संपर्क में रह के, और चूंकि 1 वर्ष से 2 वर्ष के लिए तो कार्य, वो विकास कार्यों पर बैन, चूंकि फंड बंद कर दिया ऊपर सरकारों ने, अच्छा। इसलिए विकास कार्य तो हो नहीं पा रहे, लेकिन उनका निश्चित रूप से जीवन तथा संपर्क तो सभी जनता से कार्यकर्ताओं से है ही सही। आज भी वो टोंक में ही है और हर 5-7 दिन में टोंक आ ही जाते हैं। उनके इस बात पर तो कोई नेगेटिव बात है ही नहीं, वो काफी समय देखते विकास कार्य तो अभी बंद से हैं बस। लेकिन है क्या कि अब कहीं कोई लहर ऐसी दिखती नहीं कि हाँ टोंक में कुछ कार्य दिखेंगे। ये सरकार बदल जाए एक बार, फिर बीजेपी सरकार आ जाए राजस्थान की, हाँ तो उसको तो नेचुरल, फिर दिखेगा वो नेचुरल फेनोमेनन। और आप विधान, अभी जो विधानसभा के 3 उपचुनाव हो रहे हैं, हाँ। उसमें दिख जाएगा सारा ये, हाँ, पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो लिखा भी जा रहा है, जिस प्रकार से रोजगार बेरोजगार लोगों की, भाई अशोक गहलोत का एक तरह से जो है ना उनका वर्किंग कार्ड सामने आ जाएगा क्या है, और आपस में लड़ना टोंक के, चूंकि उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन जी पायलट रहे हैं, हाँ। और उनका जिस प्रकार से महत्वहीन हो जाना, हाँ। और टोंक के सारे कामों को रोक देना, टोंक का नुकसान तो चूंकि सचिन जी पायलट टोंक के विधायक हैं, हाँ। इस नाते सारी दिक्कत हो रही है, इनके आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही है कांग्रेस की आंतरिक कलह है, वो सड़क पर जग जाहिर है। सरकार को होटल में थी और जनता सड़कों पर कोरोना से पीड़ित थी। अब आप समझें, क्योंकि केंद्र की ऐसी अनेक योजना रही है
जो जिसको 40% इनको मिलाना होता है। एक बहुत व्यक्तिगत सवाल है, आप उसे व्यक्तिगत समझो, व्यक्तिगत है नहीं जी, क्योंकि आप वाल्मीकि समाज से जी। मेरा एक सुझाव है जी, कमियां नहीं है जी जी जी, सुझाव जी। वो सुझाव ये है कि अपने यहाँ एक विशेष नामजद एक पशु है जी, जो अपने समाज से भी जुड़ा हुआ है जी। ठीक है, मुझे इसका अंदाजा नहीं कि वो आर्थिक रूप से हमारे लिए कितना सहयोगी होता है जी या नहीं होता है, मुझे जिसके अंदर का सच पता नहीं जी जी, लेकिन ऐसा कहा जाता रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं की जाएं, ऐसे बाड़े वाले तो ये अच्छे उन्नत नस्ल के भी तो हो सकते हैं जी। मेरा मकसद कहना हमने कई बार सरकार से अच्छी फार्मिंग हो सकती है, सरकार से भी कहा है, समाज के माध्यम से लोगों पर शिष्टमंडल लेकर मिले भी हम जी, कि भाई हम सबको यहाँ पर बाड़े आवंटित कर दिए जाएं, जहाँ पर उन्नत तरीके से हम इनका पालन कर सकते हैं सही। और उससे रेवेन्यू मिलेगा हाँ हाँ, और जो जिस प्रकार का ये थोड़ा सा खुलापन है ना वो बंद हो जाएगा। लेकिन नगर परिषद वालों ने ध्यान नहीं दिया आज तक बेचारों, अब इनकी कौन बोले, यूनाइट तो है नहीं वाल्मीकि समाज, ज्यादा इनका वोट बैंक भी नहीं है, तो सरकार तो उनकी सुनती है, इनका वोट बैंक होता है। ऐसी बात तो नहीं है, वोट बैंक अब इतना नहीं है, ये तो आप नहीं कह सकते, इतना नहीं ना सरकार बना सके, पावरफुल है, सरकार बना सके बिगाड़ सके, नहीं 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 देखिए पावरफुल है। चलिए ठीक है, काफी कुछ बातों का खुलासा हुआ, हमारी जानकारी में इजाफा हुआ और लोगों को भी कुछ जानकारी, बहुत अच्छी लगा मुझे अशोक जी आपसे बात करके। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस दिशा में भी निश्चित रूप से अनुकूल से मैं आएगा हाँ। इनकी समस्या का निजात कराने के अपन सब लोग, अच्छी बात है ना, देखिए सामूहिक प्रयास करेंगे, सामूहिक प्रयास हो कि ये फर्टिलिटी बढ़े, ये अच्छी नस्ल के हों, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी अच्छे हों, वो भी बात करेंगे, बुरी बात नहीं करेंगे सब, मेरा कहना है जरूर। और ईश्वर आपको ऐसी ही माँ सरस्वती बौद्धिक स्तर पर नवाजे कि आप अच्छे अच्छे काम करें। आज अच्छा लगा आपसे, फिर आए और फिर बात वार्ता करें, आपसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका भी बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, ऊंचा है, लेकिन पढ़ने का आपका बहुत शौक है, क्योंकि मेरा भी बहुत शौक है जी, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि एक बार नमस्कार।